हाल ही में लता मंगेशकर जी का देहांत हो चुका, उसने क्या कहना था? जितना आप सबको बुरा लग रहा है, उतना हमें लग रहा है कि हमारे देश की क्वीन है वो। उनके ऐसा कोई ना है, ना कोई होगा, ना ना कभी हो सकता है। सो हमारी प्रेयर्स हमेशा रहेगी उनके लिए कि उन वो जहाँ पर भी हैं कुछ कुछ। सर शाहरुख खान जी को भी ट्रोल किया जा रहा है, उन्होंने कुछ यार वो बहुत ही यूजलेस टॉपिक है आई थिंक करने का। दुआ पढ़ने का एक तरीका होता है ना, हम दुआ करते हैं, अगर हिंदू होंगे तो वो ऐसे ही करेंगे, मुस्लिम्स हैं तो वो ऐसे करते हैं, क्रिश्चियन है तो वैसे ही करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ थूका या वो किया है। लोग आई थिंक आजकल लोग इतने फ्री हैं कोविड की वजह से 2-2.5 साल से कि उनको सिर्फ एक टॉपिक चाहिए बोलने का कि क्या बोलें। और सभी नहीं है, उसमें से कुछ अच्छे लोग भी हैं हमारे देश में, ज़्यादा तो अभी बहुत स्मार्ट लोग हैं जो उन ट्रोलर्स को भी नीचे ट्रोल करते हैं कि तुम ये क्या लिख रहे हो। बट जो भी ट्रोल करते हैं आई थिंक उनके लिए प्रणाम दूर से। आपका लास्ट सॉन्ग काफ़ी हिट हुआ, नेक्स्ट सॉन्ग कब आने वाला? नेक्स्ट सॉन्ग या तो अभी मैं वही सोच रहा था, मेरा खुद का लेवल है यार, मैं जब मेरा मन करता है मैं तब डाल देता हूँ। शायद मैं 16 या 17 को अगला गाना निकाल दूँगा। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। यूविका जी एक साथ में कर लेते बाइक। हाय उसमें